इमरान खान को महंगा पड़ गया भारत से विवाद खत्म करना, देखिए पाक में क्या हो गया हाल। नमस्कार, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इन दिनों भारत से ही काफी नाराज चल रहा है। इसकी वजह भारत सरकार का कश्मीरी को लेकर लिया गया वो फैसला है जो पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। इसके बाद ही पाकिस्तान ने गुस्सा होकर भारत से व्यावहारिक संबंध तोड़ लिए हैं। हालांकि ये कदम पाकिस्तान के लिए ही आत्मघाती साबित हो गया है। भारत के जम्मू कश्मीर के फैसले के विरोध में इमरान सरकार ने अचानक कई बड़े फैसले ले लिए थे। इनमें भारत से व्यावहारिक संबंध खत्म करने सबसे प्रमुख था। इसके अलावा राजनयिक संबंधों में कटौती से लेकर सांस्कृतिक संबंध भी तोड़ लिए। वही कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र से भी शिकायत की थी। हालांकि मोदी सरकार ने पाकिस्तान के इन फैसलों पर कहा था कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान को इस तरह का कदम नहीं उठाने चाहिए। भारत से व्यावहारिक संबंध तोड़ने पर पाकिस्तान में महंगाई चरम पहुंच गई है। पाकिस्तान ताजे फलों से लेकर सब्जियों के लिए भारत पर ही निर्भर रहता है। अब वहाँ टमाटर के दामों में आग लग गई है। अकेले टमाटर की कीमत ही पाकिस्तान में 300 रुपए किलो पहुंच गई है। वही हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे है। ये दाम अब बढ़ते ही जाएंगे और पहले से ही महंगाई से परेशान पड़ोसी मुल्क और समस्या से गिर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान ने ये फैसला सही लिया या नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।